Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, light this shit up. आज हम करेंगे स्वॉर्ड गाय एनमी के एपिसोड नंबर 15 को हिंदी में एक्सप्लेन। तो पिछला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर से देखिएगा, जहाँ पर हमें पता चलता है जो मार्कस है वो अबू सामा बन चुका है। फिर वहाँ देखते हैं जो कागामी रहती है वो 3 क्रिसलिस को भेजती है अबू सामा को ख़त्म करने के लिए। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि उसमें से एक ईसे भी रहता है, जो कि अगर आपने याद किया हो तो वो बार्बर का काम करता था, जो लड़कियों का बाल काटता था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीन को दिखाया जाता है जो कि भगवान से प्रे करता है कि सायका का आप ख्याल रखिए, वो आजकल बहुत परेशान चल रही है। क्लास में ब्रेक होता है तो जो सीन रहता है वो सायका से बोलता है, अगर तुम्हें किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो सायका बोलती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इशारों में। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कागामी को दिखाया जाता है जो कि तीनों क्रिस्टलिस से यह बोलते हैं कि तुम्हें सावधान रहना होगा, जिससे तुम लड़ने जा रहे हो वो भूसामा नहीं, वो एक डीमन है, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने फर्स्ट मिशन में ही मारे जाओ। तो उसके बाद एक क्रिस्टलिस बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो हथियार है वो साउंड की स्पीड से अटैक करता है, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे वही बंदा है जो कि बार बार में काम किया था, मैं फिर से रिकॉल करा दूँ। तो इसे बोलता है कि मैंने लास्ट टाइम तुमसे बोला था कोल्ड स्लिप से पहले कि तुम्हें प्याज को खाना चाहिए, लेकिन तुम प्याज खाती नहीं हो, तुम बहुत जल्दी टकली हो जाओगी पागल। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो तीनों लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं, जिसमें से एक क्रिस्टलिस पूछता है इसे से कि तुम तो यहाँ पे नए लग रहे हो, वेल तुम मुझे बताओ अपने बारे में, तुमने क्यों सोसाइटी को ज्वाइन किया। तो उसके बाद जो हमारा इसे रहता है वो कुछ बोलना नहीं चाहता है, तो दूसरा आदमी बोलता है कि वेल सरमाने की ज़रूरत नहीं, हमसे बता सकते हो तुम। तो जो हमारा इसे वो सोचने लगता है कि जब वो बार्बर में काम करता है तो वहीं पे उसे वो मोटी सुखा दीदी रहती हैं, एंड उसके बाद वो बोलती है कि तुम काफ़ी सुंदर लग रहे हो। तो इसे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि वो लड़की उसे बार बार परेशान कर रही है। तो एक दिन इसे अपने कार में बैठता है तो वहाँ पे यासुका दीदी आ जाती है, वो बोलती हैं कि मेरा दिल तुम्हारे पर आ गया है, क्या हम दोनों साथी कर सकते हैं। तो इसे इसलिए ज्वाइन करता है सुसिडाई को ताकि वो अपने आप को बचा सके उस लड़की से, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी बेइज्जती हो जाएगी उन दो लड़कों के सामने। तो इसे बोलता है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमें सायको को दिखाया जाता है जिससे शायद काम कराया जा रहा है, तो गलती से पेपर्स को गिरा देती हैं, तो सीन आके उसकी मदद कर देता है, एंड वो बोलता है क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चलें। तो उसके बाद जो सायका रहती है वो बोलती है ऑफकोर्स ठीक है, वो थम्सअप करते हुए ऐसा बोलती है, एंड वो बोलता है इससे तुम्हारा मूड भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा सायका। तो उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग पार्टी करते हैं, एंड वो लोग टेडी बियर वगैरह सब खेलते हैं, एंड ये लोग फ़ोटो भी खिंचाते हैं, मतलब गाय के साथ अलग ही अन्याय हो रहा है। पर वहाँ देखते हैं जो हमारा सीन है वो शर्माता है। फिर उसके बाद सीन बोलता है कि मैं अपनी बहन से भी मिलने चाहूँगा जिसका नाम रिये है। तो उसके बाद वो बोलता है क्या तुम अभी खुश हो। तो उसके बाद सायका बोलती है मतलब इशारे में ही कि हम खुश हैं। तो उसके बाद जो सीन है वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सोको को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि वेल मैं यहाँ पे पक चुकी हूँ और मैं अब बाहर निकलना चाहती हूँ। तो उसके बाद ये बोलती है हाँ मैं भी अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तो उसके बाद सोको बोलती है कि तुम अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। तो उसके बाद ये बोलती है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करानी है, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सीरेन बोलती है देखो हम जितना जल्दी ठीक हो जाएंगे उतना जल्दी हम लोग के लिए अच्छा होगा, फिर उसके बाद हम लोग आइलैंड पे जाएंगे मस्त घूमने के लिए। तो रिये बोलती है कि मैं अपने भाई को भी लेकर आऊँगी। तो सोको बोलती है व्हाटएवर। फिर उसके बाद देखते हैं कि अब वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग चोरी चोरी बाहर थोड़ा सा घूमने जाएंगे। तो सीरेन बोलती है कि वेल मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन चलो हम लोग थोड़ा सा घूम ही लेते हैं, इससे हम लोग का मूड सही हो जाएगा। फिर उसके बाद वो लोग सारे गेट को खोलने जाते हैं, लेकिन सारा जो गेट रहता है वो बंद रहता है, मतलब कि वो लोग किसी ऐसे हॉस्पिटल में है जहाँ का सबसे मतलब कि सब जगह सा जो एग्जिट पॉइंट है वो बंद है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारी सायका रहती है उसे फिर से गाय का वो सीन याद आ जाता है कि कैसे गाय ने सुसाइड किया था। तो उसके बाद जो सायका रहती है वो फिर से अजीब सा मुँह बना लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में क्रिस्टलिस को दिखाया जाता है, वो तीनों क्रिस्टलिस जो मार्कस को पकड़ने के लिए गए हैं, तभी वहाँ पे आ जाती हमारी यासुका दीदी, एंड वो बोलती है कि तुम सब भी क्रिस्टलिस लगते हो। तो उसके बाद वो बोलते हैं क्या तुम सोसिडाई से हो। तो वो लड़की बोलती है यासुका कि मुझे सोसिडाई नहीं पसंद और तुम्हें मुझसे लेना देना नहीं है।
तो वहाँ पे इसे आ जाता है। तो यासुका दीदी बोलती हैं, इसे तुम कहाँ थे, काफ़ी दिनों के बाद मिले डियर। तो उसके बाद वो बोलती हैं, चलो हम शादी कर लेते हैं। इसे बोलता है, चली जा बुढ़ी यहाँ से, एंड इसे वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये जो क्रिस्पिस रहते हैं वो अटैक कर देते हैं यासुका के ऊपर। उन्हें लगता है कि यही मार्कस है, एंड उसके ये सीन मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो हमारी यासुका दीदी रहती हैं वो पात देती हैं, एंड इतना जहरीला वो पातती हैं जिससे हमारे जो दोनों क्रिस्टल्स रहते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। एंड वो बोलते हैं कि वेल मैं तो जा रही हूँ अपने लव के पास, एंड उसके बाद वो दोनों पैरालाइज हो जाते हैं एंड उनकी फूटे किस्मत रहती है। मार्कस वहाँ आ चुका रहता है जो कि अभी तो भूसामा है बिजलुब, तो बिजलुब रहता है वो और गुस्सा होता है एंड उन दोनों को मार देता है। इसे बोलता है कागामी से कि मैं अकेले लड़ नहीं सकता हूँ, प्लीज़ मुझे बैकअप की ज़रूरत है। तो कागामी बोलती है, इसे तुम जल्दी से हेड आउट पर आ जाओ, हमें इससे कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हिमी को श्यामा को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम, माई लेडी का नाम है हिमी को, जिसको हिमी को रहती है वो बोलती है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए जिससे हमारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है। एंड वो बोलती है कि कहीं ना कहीं भूसम्मा की फाइट चल रही है, मतलब ये फील कर सकती है भूसम्मा उसको। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शिन रिए दिखाया जाता है जो कि मतलब बहुत परेशान हो चुके रहते हैं, उन्हें कोई भी एग्जिट नहीं दिखता है जो कि खुला हो। तो सेरिन बोलती है, मुझे एक गेट और पता है। तो वो लोग जब गेट को खोलने की कोशिश करते हैं तो पहले तो उसे खोल नहीं पाते हैं, तो वो लोग अपना पूरी जान लगा देते हैं। एंड जब वो खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ पे रहता है एक बहुत बड़ा सा वॉल, मतलब कि उन लोग को पैक किया गया है। लेकिन पीछे से डॉक्टर आते हैं एंड उन तीनों को बेहोश कर देते हैं। एंड डॉक्टर बोलते हैं कि वेल तुम लोग उम्मीद से ज़्यादा जान लिया हो, मुझे फिर से तुम लोग की याददाश्त को मिटानी होगी, इसमें ही तुम दोनों की भलाई होगी। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, सीन बोलता है, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ सायका। तो उसके बाद जो सायका है वो मतलब सुनने के लिए तैयार रहती है। वो बोलती है, देखो मैं तुम्हारे दर्द को तो नहीं समझ सकता, लेकिन मेरे साथ भी बचपन में कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। सिन बोलता है कि मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। वो बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ एक अजीब से डीमन से हम लोग को प्रोटेक्ट कर रही थी, मैं अपनी बहन को पकड़ा हुआ था एंड मेरी माँ मुझको पकड़ी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो जो डीमन था उसने मेरी माँ को मार दिया। लेकिन उसके बाद वो जो डीमन था वो मुझे और मेरी बहन पे अटैक कर दिया, एंड लेकिन कैसे भी मैं वहाँ से बच गया। और मेरी बहन की हालत लेकिन बहुत ख़राब थी, इसीलिए वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है। एंड वो बोलता है, मुझे वायलेंस से सख्त नफरत है, लेकिन वो सीन मैं कभी भुला नहीं पाया, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि डार्कनेस मुझे कब्ज़ा ना करे, मैं हमेशा इसीलिए लाइट में रहना पसंद करता हूँ। तो यही बात सायका को, मतलब सायका ने सुनी थी जब गाय एक बार बोला था। तो जो सायका रहती है वो थोड़ा और ज़्यादा चौकन्ना हो जाती है। तो उसके बाद वो बोलता है, जो सीन वो बोलता है कि मैं बचपन से ही डार्कनेस से बचने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जो डार्कनेस है वो हर साल बढ़ते ही जा रही है एंड मुझे और मेरे शरीर को वो कब्जा करना चाहती है। मैं जब से छोटा था वो डार्कनेस मुझको सॉलो करने की पूरी कोशिश करती थी, इसीलिए मैं अपने दिमाग को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा दिन तक कैरी कर पाऊँगा, मुझे लगता है कि मैं इसे हार लूँगा। एंड जो सायका है उसे गाय का फेस याद आता है, गाय भी कुछ ऐसा ही बोला रहता है। एंड जो हमारा सीन है वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है एंड वो रोने जाता ही है। तो उसके बाद सायका चिल्लाती है एंड वो बोलती है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। एंड उसके बाद वो सीन होता है जिससे सिंगल लुक की बहुत जलती और फटती है। आप क्यों देख रहे हो, आपकी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, स्किप मारो ना आगे 10 सेकंड का। सायका सोचती है कि वो गाय है एंड वो किस कर लेती है, किसके साथ, सीन के साथ। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सीन के डैडी को, एंड वो बोलते हैं कि लगता है सेरियू को और ज़्यादा खून की ज़रूरत है, उन्होंने किसी के बॉडी को रखा हुआ था जिससे मतलब उसको मारे थे एंड उसके ब्लड से सेरियू का प्यास को बुझाया जा रहा है। तो बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम और खून की व्यवस्था कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारा सीन है वो अपनी नेक्स्ट सीन में हमें सीन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन से मिलने जाता है रिए से, एंड रिए बोलती है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर ने ऐसे बोला, एंड उसके बाद हम लोग साथ में पिकनिक पे जाएंगे। एंड यार इसी के साथ स्वर्ग एनिमी का एपिसोड नंबर 15 खत्म हो जाता है।